वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस हस्पताल काहना का तफसीली दौरा। कई वार्ड्स में एसी बंद, सफाई के नाकिस इंतजाम, बेडशीट पर खून के धब्बे, वॉशरूम्स की अबतर हालत पर वज़ीर-ए-आला बरहम। डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर मोहसिन नकवी ने इंतजामिया के पास पुरस की, सफाई समेत दीगर इंतजाम बेहतर करने का कह दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला के अस्पतालों के दौरे कारगर साबित। जनरल अस्पताल में 60 ने एसी लगा दिए गए मरीजों और उनके लवाहिकीन का मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। कहा, निगरान हुकूमत के इकदाम से सहूलियात में इजाफा मुमकिन हुआ। प्रिंसिपल प्रोफेसर अल फरीद जफर के मुताबिक अस्पताल में 600 एसी नस्ब हैं। हुकूमती पॉलिसी के तहत मजीद बेहतरी लाई जा रही है। डेंगू के वार तेज होने लगे। 24 घंटों में डेंगू मच्छर के डर से मजीद 22 अफराद रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 60 मरीज जेरे इलाज हैं। सरकारी अस्पतालों में 41 और निजी अस्पतालों में 19 मरीजों की तस्दीक हो चुकी। तशद्दुद का शिकार इज़वाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल। सर्जन्स कल दोबारा मुआयना करेंगे। जख्मों का जायजा लेने के बाद सर की स्किन ग्राफ्टिंग का फैसला होगा। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना की तबीयत बेहतर है। 3 वक्त घर का पका खाना खा रही है। जमात इस्लामी का महंगाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान रोश ने क्यादत की। मुजाहरीन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। उधर सुन्नी तहरीक का भी महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। कारकुनों की हाथों में बिजली के बिल थामे नारेबाजी। इस्पात बाजारों के अतराफ तजावजात माफिया का राज। गुलशन रावे में गैर कानूनी ठेले कायम। तजावजात के बाद ट्रैफिक के रवाने मुतासर। सार्फिन को पैदल चलने में भी दुश्वारी। टाउनशिप की मुतअद्दद गलियां टूट फूट का शिकार। मेन होल के ढक्कन गायब होने से हादसात मामूल बन चुके। अहले इलाका को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना। उधर इलामे इकबाल टाउन नरगिस ब्लॉक के मकीन साफ पानी से महरूम हैं। नलकों से सीवरेज मिला पानी आने पर अहले इलाका का एहतजाज। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का ओरेंज मेट्रो ट्रेन और लारी अड्डा का दौरा। इब्राहिम मुराद ने इंतजामी अमूर और सहूलियात का जायजा लिया। टिकट मशीन खराब होने पर अफसरान की सरजनिश। लारी अड्डा में निकासी आप ना होने का भी नोटिस। वॉशरूम्स फॉल ना होने पर बरहमी का इजहार। गूगल ने पर्सनल लोन ऐप के लिए नई पॉलिसीज मुतारिफ करवा दी। कंपनियों का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मायार का ऑडिट होगा। रजिस्टर्ड कंपनियों से मुतालिक मुमकिन डेटा प्राइवेसी की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया जाएगा। SECP से तस्दीक के बाद ही प्ले स्टोर में जगह मिलेगी। प्रॉपर्टी पर टैक्सेस की भरमार। 5 मरले के घर की खरीदो फरोख्त पर 9.5 लाख टैक्स की वसूली। प्रॉपर्टी डीलर्स का 7E की शर्त खत्म करने का मुतालिबा। चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद कहते हैं, टैक्सेस की भरमार से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त रुक गई। FPR से गेन और विथहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% करने का मुतालबा किया। FBR का नादहीन गांड के खिलाफ क्रैकडाउन। ग्रैंड बेडी स्टॉप पर 70 मरला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज नीलाम हो गई। टैक्स की अदम अदायगी पर शाह आलम मार्केट की 8 दुकानें नीलाम की जाएंगी। नीलामी कारपोरेट टैक्स ऑफिस में 21 अगस्त को शेड्यूल। 35,000 से जायद इश्तहारी मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। फहरिस्त में ए कैटेगरी के 1100 इश्तहारी मुलजिमान भी शामिल। IG पंजाब के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन की हिदायत। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील का मिशन। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। DGLD ने मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला की टाउनशिप जन्नत चौक पार्क की तामीर और बहाली का हिदायत की। DIG ऑपरेशंस की जेर सदारत सिटी डिवीजन का इजलास। DSPs और SHOs की शिरकत। अली नासिर रिजवी की इश्तहारी मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। गाड़ियों और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोकने का टास्क दे दिया। DIG ने कहा, अफसरान कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। करप्शन और बदअनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आईजी पंजाब से सिंध पुलिस के जिले तरबियत डीएसपी की मुलाकात। वफ़ को स्टेट ऑफ द आर्ट थाना मजंग का दौरा करवाएगा। फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑपरेशन शोबों पर ब्रीफिंग। वफ़ ने आईजी को सिंध की रवायती अजरक भी पहनाई। पीपल्स पार्टी के वफ़ का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। सदर पीपी लाहौर चौधरी असलम गिल की क्यादत में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। चौधरी अकरम कम्बो, सदाकत शेरवानी, एडवन सहोत्रा, अदनान आसिम हमरा थे। एएसपी शाहदरा अयाज खान की मसीही रहनुमाओं से मुलाकात। गिरजाघरों की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। अयाज खान ने कहा, पुलिस मसीही बरादरी की जानो माल की जिम्मेदार है। साबिक एमएनए अली परवेज मलिक की बेगमपुरा में लीगी कारकुनों से मुलाकात। इलाके के मसाइल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगु। चौधरी शहबाज समेत दीकर हमरा थे। आम इंतखाबात आयन के तहत बरवक्त करवाए जाएं। जमहूरी अमल में ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूथ ब्रांच का इफ्तिताह। रहनुमा काफिल चौधरी सालिक हुसैन ने फीता काटा। कहा, हुकूमत में आकर नौजवानों की फलाह व बहबूद और रोजगार के लिए इकदाम करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से सैफुल मलूक खोखर की मुलाकात। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों पर बातचीत। सदर नून लीग लाहौर सैफुल फैसल खोखर के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन जाएंगे। मून मार्केट में नून लीग के तहत जश्न आज़ादी की तकरीब। साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद अहमद का खिताब। कहा, सानहा नौ में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है। कौमी इदारों पर हमले करने वाले को अंजाम तक पहुँचाया जाए। तकरीब में कारकुनों में हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड भी तकसीम किया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के दौरे। मॉडल टाउन जोहर टाउन टाउनशिप में इंतजाम का जायजा। शाहिद कादिर के सार्फिन को बेहतर सहूलियात फ्राहमी की हिदायत की। अकादमी अदबियात अतफाल के तहत कौमी अहले कलम कॉन्फ्रेंस। साजिदा हनीफ, सईदा फातिमा, प्रोफेसर मुसरत क्लांचवी का इजहार ख्याल। रुखशंदा नवीद, खदीजा नसार, डॉक्टर शाहिदा रसूल, डॉक्टर फजीलत समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी के ताया की नमाज जनाजादा। सैयद एजाज रिजवी की नमाज जनाजा मोमिनपुरा कब्रिस्तान में अदा की गई। डीआईजी मुंतजिर महदी, इमरान करामत बुखारी शरीक, आगा हुसैन कजिलबाश, सैयद हुसैन हैदर, कमर अब्बास समेत दीगर की शिरकत। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। लाहौर समेत दीगर शहरों में इम्तिहानी मरकज़ कायम किए गए। तहरीरी इम्तिहान का PIFD दाखिला के अमल में वेटेज 50% है। ओसपाक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज के जरिए तमाम एजुकेशन एक्सपो। ऑस्ट्रेलिया की 18 सरकारी यूनिवर्सिटियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। तुलबा को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से आगाही दी गई। सरबराह ओसपाक सैयद सुहेल हैदर रिजवी समेत दीगर की शिरकत। Zameen.com के जरिए तमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट। रिंग रोड इंटरचेंज क्यू हाई स्ट्रीट का इफ्तिताह। 40 से ज्यादा तमीराती मनसूबे पेश किए गए। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लेक इफ्तिखार, उस्मान तलत, अली रेहान समेत दीगर की शिरकत। टेंट पैगिंग वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम जनूबी अफ्रीका रवाना। टीम में 5 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल्स शामिल हैं। टेंट पैगिंग वर्ल्ड कप 21 से 26 अगस्त को जॉर्ज में खेला जाएगा। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के एहतमाम। टैलेंट रेसलिंग के मुकाबले इनाम बट फरीद अली और अली रेसलिंग क्लब के पहलवानों की शिरकत। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अक्रम ने इनाम दिए। सीनियर नायब सदर रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार ने भी मुकाबले देखे। रेसलिंग कोचिंग एंड रेफरी लेवल 1 कोर्स का आखिरी रोज। कौमी रेसलिंग कोच फरीद अली, अरशद सत्तार का लेक्चर। 40 कोचेज और 25 रेफरीज में सर्टिफिकेट तकसीम किए। चौधरी मुबीन, आबिद अमीन समेत दीगर की शिरकत। PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। ईस्ट जोन ब्लूज ने 8 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना लिए। अजीम डार 53, आमिर असलम 27 और उमर एजाज ने
25 रन बनाए। नॉर्थ ब्लूज के मोहम्मद अहसन ने 3 और शबीर अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जू सफारी में अफ्रीकी ज़ेब्रा के हां नन्हे मेहमान की पैदाइश। इंतजामिया के मुताबिक मां और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं। नए मेहमान की आमद से ज़ेब्रा की तादाद 8 हो गई।